हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सबसे पहले प्रॉब्लम्स होंगी आपकी। बाबू, मुझसे बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है, ये इलस्ट्रेशन नंबर। बाबू, ऑल दो मेरे हिसाब से तो इसमें वाला कुछ मुद्दा नहीं था, पर फिर भी चलो। बाबू, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, मैंने डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? करंट एसेट्स क्या होती हैं? विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आर नोन एज करंट एसेट्स। ऑल द अदर एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स। भाई, अगर कोई एसेट 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाए तो बेटा करंट है। अब यहाँ से बेटा, उसने आपको क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग साइकिल बताया इन मंथ्स, साथ ही साथ आपको बताया एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, कि आपके डेटर आपको कितने टाइम में पैसा देने वाले हैं। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। वैसे तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर और बीआर दोनों आते हैं, पर आप डेटर समझ लो फिलहाल। तो बेटा, डेटर मुझे कितने महीने में पैसा देने वाले हैं, इससे डिसाइड कर रहे हैं मुझे क्या करंट है और क्या नॉन करंट है। अब खुद सोचो, पहली बात, क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं आ रहे? आ रहे हैं क्या? ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आ रहे? दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी है तो करंट है। और मैं हमेशा इसको कैसे समझाता हूँ, मैंने करंट लायबिलिटी के टाइम पर भी जब ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने यही बोला था। आप क्या करना, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर देख लेना। दोनों में से ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या? 12। अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर पैसे आ जो के अंदर अंदर आ रहे हैं तो ये करंट एसेट्स है, वरना क्या है? नॉन। तो भाई, अब ये क्या है? करंट, क्योंकि 12 के अंदर अंदर तो आ ही रहे। अब यहाँ सोच लो बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल 17 महीने का, 17 और 12, विच एवर इज हायर। 17, क्या 17 महीनों में पैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या है? करंट। 10 और 12, विच एवर इज हायर। 12 12 में पैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं। करंट। 10 और 12, विच एवर इज हायर। 12, ये 15 है, 12 में भी नहीं आ रहे ना, तो क्या है? नॉन करंट। 14 और 12, विच एवर इज हायर। 14। 16, नॉन करंट। 24 और 12, विच एवर इज हायर। 24, 24 में तो आ ही रहे हैं बेटा, करंट। 10 और 12, विच एवर इज हायर। 12, 12 में तो आ ही रहे हैं बेटा, करंट। क्या बताना है? नहीं, बच्चे ने क्वेश्चन बहुत मुश्किल था। नहीं, तेरा नहीं था प्रॉब्लम, बंटी तेरी थी प्रॉब्लम, है ना? किसकी तो थी? हाँ, ये बहुत मुश्किल करा नहीं तूने, तो करने ना करने की सजा तो अलग है। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब एग्जाम्पल्स में दिक्कत आई है ना, किसी ने एग्जाम्पल किए वैसे? अरे कोई तो होगा, ज्ञानवी हो गए हो क्या? मुश्किल थे? महा ज्ञानी है तो, महापंडित ऐसे ना। मैंने ना कभी बच्चों को टेस्ट करता रहता हूँ, मैं कभी कभी ना बच्चों को टेस्ट करता रहता हूँ कौन कौन चीटिंग करता रहता है। अच्छी बात है ये, मतलब मुझे तो लग ही नहीं सकता पहली बार में मुझे। पिछले साल मैंने बैच में दिए तो आधे से ज्यादा बच्चे कर लाए। मैंने कहा तुम महाज्ञानी महापंडित, पूरे बैच को बजा रहे हो। मैंने कराई नहीं, तुमने कर कैसे? हेलो, मैं अगर आता हूँ जी एग्जांपल्स। लो बाबू, ये एग्जांपल है पहला। ओलंपस एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन रिजर्व एंड सरप्लस एस बैलेंस ऑफ एसपीएल। पढ़ लो ढंग से। कहता है ओलंपस के पास ओपनिंग डेबिट बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में ऑफ एसपीएल, यानी कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एसपीएल समझते हो ना? कंपनी में हम एसपीएल बोलते हैं, वैसे तो क्या होता है, हमारा पी एंड एल अकाउंट ही है। और बेटा ये मुझे कैसे पता लगा लॉस आया होगा? क्योंकि उसने बोला डेबिट बैलेंस, ठीक है ना बेटा? डेबिट बैलेंस मतलब लॉसेस है, ठीक है जी। कहता है इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022, ठीक है? इस साल 8 लाख का प्रॉफिट कमाया। हाउ वुड यू शो दीज आइटम इन अ बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स? तो कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में और कैसे अकाउंट्स में? प्यारे बच्चों, सामने देखना, मैं कर रहा हूँ। फॉर्मेट याद है आपको? चल यार, यहाँ नहीं करता।
बाबू फॉर्मेट याद है आप? लो सामने देखना, सर मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिखेंगे। पर्टिकुलर नोट नंबर फिगर एस एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, फिगर एस एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना जी? सर पूरे ढंग से तमीज के साथ बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन और नोट्स टू अकाउंट्स में भी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें मेन हेडिंग होती है ना बहुत सारी। बेटा बाबू रिजर्व्स एंड सरप्लस किस में आता है? शेयर होल्डर फंड, तो मैंने पहला सब एड लिखा शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस एक सब एड है, ठीक है जी? अब सुन लो, मैंने लिखा नोट नंबर वन, इसने बताया कि ओपनिंग डेबिट बैलेंस है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ओपनिंग डेबिट बैलेंस है रिजर्व्स एंड सरप्लस में एज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यानी कि पी एंड एल अकाउंट में लॉसेस होंगे वो हैं। और कहता है ड्यूरिंग द ईयर आपने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया 31 मार्च 22 के लिए, ठीक है जी? यानी कि बेटा सच्ची बात ये है कि ये 31 मार्च 22 फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, और बेटा ये बेटा इस साल की शुरुआत में मेरे पास 5 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना बाबू? अगर इस साल की शुरुआत में है यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पिछले साल मेरे पास 5 लाख का लॉस होगा, तभी तो इस साल की शुरुआत में 5 लाख का लॉस है। उसने कहा ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, इस साल आपके पास 5 लाख, पिछले साल लॉस हुआ होगा तभी तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। सर ये तो पता है ना, ठीक है। और कहता है इस साल 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, मुझे पता है आप महाज्ञानी महापंडित होगे, होगी बस कैलकुलेशन। पिछले साल 5 लाख का लॉस था, इस साल 8 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख। देखो आप ऐसा लिख नहीं सकते, तो मैं एक कंपनी ओलंपस लिमिटेड हूं, मुझे अपने शेयर होल्डर को हर इंफॉर्मेशन देनी है। मैं सीधा नहीं लिख दूंगा, बिल का बैलेंस इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इतना, सीआरआर इतना, सीआर इतना, क्या करोगे? सबका टोटल भी हो जाता है कि शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ इस साल? एक बात है, 5 लाख पिछली बार लॉस था, इस बार 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, आपके शेयर होल्डर को क्या पता ये प्रॉफिट कहाँ हुआ? जरूरी एसपीएल ही बड़ा जरूरी बताओ, अगर ये एसपीएल में लॉस है 5 लाख, अगर मैं कह देता सिक्योरिटी प्रीमियम तब भी यही आंसर 3 लाख, तो शेयरहोल्डर को क्या पता कि एसपीएल प्लस आया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आया, आया। अपने शेयर होल्डर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। वो बात ठीक है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये मन में कैलकुलेशन हो सकती है, तो हम करेंगे क्या, नोट नंबर बनाएंगे, सुन लो नोट, ठीक है ना बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो मैंने क्या करना है, वही करना है जो बेटा मेरे को पता है, ठीक है ना? बैलेंस ऑफ एसपीएल, सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस पता है ना कितना था? -5 लाख, -5 लाख, इस पूरे चैप्टर में और बल्कि इस पूरी बुक में कभी भी माइनस को माइनस लिखेंगे नहीं, ये बात मैंने बोल दी थी, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में मुझे प्रॉफिट हो गए ना बेटा कितने? 8 लाख रुपए के टोटल प्रॉफिट, तो मैंने बता दिया कि जो 3 लाख मैंने लिखा है वो कहाँ से आया? पिछली बार एसपीएल में लॉस हुए थे, इस बार एसपीएल में ही प्रॉफिट हो गए, ठीक है ना? ठीक है,
बात समझ में आई सर, ये बताना जरूरी है क्योंकि जबरदस्ती नहीं है कि एसपीएल में ही प्रॉफिट होगा तो ही आएगा। अगर एसपीआर होता तब भी यही आंसर होता, डीआरआर होता तब भी यही आंसर होता, सीआरआर होता तब भी यही आंसर होता। मेरे शेयर होल्डर को नहीं पता लगेगा बेटा, ठीक है ना। और एक बात और बताता हूँ, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे समझाता था बात कि जब आप रिपोर्ट तैयार करते हो ना तो ऐसी तैयार करो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी आदमी उसको रीड कर सके। तो आपकी कंपनी में किसी डॉक्टर ने इन्वेस्ट किया है तो सर ऐसे बताओ कि डॉक्टर रीड करके कुछ समझ सके कि ये हुआ था और ये इस साल हुआ, किसकी वजह से 3 लाख रुपए प्रॉफिट आया। अगर हम मन में ही कैलकुलेशन करेंगे और लिखने लग जाएंगे बेटा तो अपने यूजर को इन्फॉर्मेशन क्या देंगे हम, ठीक है ना जी। 3 एग्जाम्पल थे, एक हो गया ये सबसे बच्चों वाला था, थोड़ा सा मुश्किल मैं करूंगा और उससे मुश्किल एक आप करके आएंगे, ठीक है जी। एक और कर मिनट करूं दोबारा बता दूं, पिछली बार 5 लाख का लॉस था नहीं। देख एक बात बता, रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी आइटम जाती हैं? 9 लिखवाई थी और बाद में शायद इसोप बाद में ऐड हुआ है, नहीं 9 इसोप मिला के 9 हो गई, इसोप मिलाकर 9 हो गई थी, याद है तेरे को, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व वहां जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वहां जाता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वहां जाता है और रिवैल्यूएशन रिजर्व अदर फंड सब कुछ वहां जाता है। इस क्वेश्चन ने बताया 5 लाख का एसपीएल में लॉस था और इस बार 8 लाख का प्रॉफिट हो गया एसपीएल में, उसने कहा सरप्लस मत होना एसपीएल में ही, उसी को सरप्लस बोलते हैं, और अगर लॉस होना तो उसी को ही हम नेगेटिव आइटम शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। भाई मन में कैलकुलेशन हो सकती है कि पिछली बार 5 का लॉस था इस बार 8 का प्रॉफिट 3 लाख, सर आपने चिपका तो दिया 3 लाख। कि यूजर को कैसे पता लगेगा कि ये सरप्लस ही हुआ? अगर मैं कह दूं कि पिछली बार एसपीएल में लॉस था 5 लाख और सेकंड में हुआ 8 लाख तो आंसर 3 लाख। अगर मैं कह दूं 5 लाख का लॉस था कैपिटल रिजर्व रिसीव हुए 8 लाख तो भी आंसर 3 ही लाख है भाई। जनरल रिजर्व में तो टोटल रिजर्व का टोटल ही तो लिखूंगा, तो सर मेरे यूजर को कैसे पता लगा है 3 लाख आंसर? सर डिटेल में बताओ। खैर इसमें डिटेलिंग करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं तो मैंने लिखा कि ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास लॉस का और इसी बार प्रॉफिट भी हो गया तो भाई 3 लाख का प्रॉफिट है नेट। समझ रहा है क्यों कर रहा हूँ ये डिटेलिंग? आज शायद अभी दिक्कत ना दे, अभी मैं 4 आइटम दूंगा ना तो सर यूजर को नहीं समझ में आएगा कि क्यों हो गया प्रॉफिट, तो यूजर को बताने के लिए नोट्स बनते हैं, ठीक। चलो लो देखना जरा बेटा, हाँ अब थोड़ा सा बढ़ेगा लेवल, पढ़ना। गैलेक्सी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2021, जनरल रिजर्व 4.5 लाख, एसपीएल 2 लाख। सर रिजर्व सरप्लस का पार्ट है 6 लाख रुपए कहता है, और ये कब बैलेंस है? 1 अप्रैल 2021 को। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज 1 अप्रैल 21 को है यानी 31 मार्च 21 को भी तो यही है, यानी कि मेरे प्री फाइनेंशियल ईयर में भी 4.5 लाख कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई बाबू? कहता है इस साल क्या हुआ 31 मार्च 22 तक, एक लॉसेस भी हो गए हैं आपको एसपीएल में, कितने बेटा 3,20,000 रुपए के। हाउ वुड यू शो दीज आइटम इन बैलेंस शीट एंड नोट्स टू? अब मैं कुछ और बोलूंगा और थोड़ा सा लेवल बढ़, ठीक है ना जी। वाले तो समझ भी दिखाना है, फिर भी मैं कुछ बात तो और क्लैरिटी दूंगा। सर फॉर्मेट पता ही आपको, पर्टिकुलर नोट नंबर फिगर एज एट द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। अगेन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पूरा लिखना है ढंग से, नंबर लेने हैं तो लिखना पड़ेगा बेटा। आज मैंने शायद सुनने को नहीं कहा था आपको, अरे मैंने कहा तो था मैं एसेट साइड सुनूंगा। अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी। लो बाबू मेरी तरफ देखना, सुनो 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 सुनो। अब मैंने क्या किया, मेरे पास दो बैलेंसेस ने
4.5 लाख का जनरल रिजर्व है 1 अप्रैल 21 को, और सरप्लस है एसपीएल का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख पॉजिटिव, इसी को हम सरप्लस बोलते हैं, जो पॉजिटिव बैलेंस होता है एसपीएल में, ठीक है ना जी। 6.5 लाख, ठीक है, मन में कैलकुलेट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। सर मैंने लिख दिया और आप अब कहोगे कि अभी सच इंफॉर्मेशन देनी है, सच। बाबू देखो एक बात सुन, आपको जो यूजर को इन्फो देनी है ना पूरी डिटेल में, वो करंट प्रीवियस ईयर की। एक बात बताओ, जब मैंने प्रीवियस ईयर के अकाउंट होंगे 31 मार्च 21 के, उस साल के नोट्स को अकाउंट्स में लिखकर नहीं बताया होगा यूजर को कि देखो बैलेंस 6.5 लाख है, जिसमें से 4.5 लाख जनरल रिजर्व है और 2 लाख सरप्लस है एसपीएल में। तो जब मैं इस ईयर कैलकुलेशन करूंगा, इस ईयर तो ये प्रीवियस ईयर हो गया ना, तो प्रीवियस ईयर के लिए मुझे कुछ भी डिटेलिंग नहीं करनी होती, क्योंकि मैं पिछले साल तो डिटेलिंग करके आया हूं। मैं इस ईयर डिटेलिंग करता हूं सिर्फ करंट ईयर के लिए, ना कि प्रीवियस ईयर के लिए। क्या मैं क्लियर हूं अब इस बात को लेकर? समझ गए बच्चे? ठीक है ना, क्लियर है बात? तो सर अब देखो, चाहूं क्या इसे मन में कैलकुलेट नहीं कर सकता? 6.5 लाख 3-20 का बताया था ना इसने, तो ले लो आने को तो आ गया 3,30,000 सर। लेकिन ठीक है, ये आपके लिए ठीक है ना, लेकिन एक बार हम डिटेलिंग जरूर करके बताएं। नंबर 1, और ये हमारा नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस पर, ठीक है। तो मैं नोट नंबर कैसे लिख रहा हूं, मैं एक ही कॉलम बना रहा हूं अमाउंट का, ठीक है ना। उसमें भी जो सारी कैलकुलेशन है वो इनर करता हूं बेटा, आउटर कॉलम में मैं सिर्फ बिल्कुल फाइनल टोटल लेके जा रहा हूं, ठीक है ना जी। करने का तरीका वैसे कैसे भी हो सकता है, नोट्स बनाने का कोई कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, पर मैं बता रहा हूं ये बेस्ट है, ठीक है जी। लो बाबू, तो मेरे पास क्या था बेटा, देखो ओपनिंग बैलेंस थे मेरे पास दो चीजों के इस बार। एक तो मेरे पास था बेटा जनरल रिजर्व 4.5 लाख रुपए का, एक बेटा था मेरे पास सरप्लस 2 लाख, थे 6.5 लाख रुपए मैंने लिख दिए बाबू ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे लिखूंगा लॉसेस ड्यूरिंग द किस 22 में लॉस हो गया 3,20,000 रुपए का। सारी कैलकुलेशन यहाँ बिल्कुल फाइनल, ठीक है, मैंने चिपका भी दी ऊपर, अब हो जाएगा, मुश्किल बात तो नहीं। अब फिर भी एक एग्जाम्पल की शक्ल दिखा लेता हूँ, फिर मत कहना कल प्रॉब्लम है। पढ़ना, रॉयल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 21, अगर एक फाइनेंशियल ईयर पे भी फिगर होंगी है मेरे पास। जनरल रिजर्व 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, एसपीएल में 7 लाख नेगेटिव, ये टोटल 4 लाख नेगेटिव प्रीवियस कर दी होगी पिछले साल जब अकाउंट सबमिट किए होंगे। इस साल इसकी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी नेट कैलकुलेशन करो मन में और चिपका दो, लेकिन करंट ईयर के लिए सब कुछ बताना जितना डिटेल आप हो सके, ठीक है ना जी। इस ईयर क्या हुआ है बेटा, फर्म को दोबारा 4.5 लाख का लॉस हुआ है, तो मैं नोट्स अकाउंट में सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व इतना, प्रीमियम इतना, एसपीएल का इतना, और लिखूंगा लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर 4.5 लाख, तो सर हो जाएगा 8.5 लाख रुपए के लॉसेस, ठीक है, अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एसपीएल का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं बेटा आज, ठीक है ना। होमवर्क ज्यादा नहीं है, सुबह आना है ना आपने, कल सुबह आना है बैच, ऐसा है 8 से, मतलब तुम्हारा बैच 10 से 11, ठीक है, अकाउंट्स का बैच 10 से 11 चलेगा, ठीक है। और वैसे बीएसटी का बैच 8 से 9, इको का बैच 9 से 10, 8 से 11 है मतलब 3 बैच, ठीक है जी।
होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 12th तक हो गया ना, 13 to 20 आठ क्वेश्चन कर लेना छोटे छोटे। ये जो अरे यार आवाज आ रही है ना, क्या है क्या उसमें, करके नहीं आएगा पिछला, इसमें देर कितनी लगी होगी। अच्छा एक बात है, ये आइटम दिया है, अगर इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है तो 6 सेकंड है करने के लिए, 10 मिनट का भी होमवर्क नहीं था। हाँ इलस्ट्रेशन 13 to 20 ठीक है, 13 से 20 आते कल प्रॉब्लम और फिर बढ़ेंगे आगे। लो जी इतना शुरू करो बेटा, एसपीएल का फॉर्मेट लिखना शुरू करना। अच्छा जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी वो कहाँ पर दी गई है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पार्ट 1। सर एसपीएल कहाँ दिया गया है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया बेटा, ठीक है ना जी। और हम प्यार से इसको एसपीएल बोलेंगे बेटा, पूरा नाम है इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखना मेरी तरफ देखना। एक बात और, अब चेंजेस का डिस्कशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 11th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते थे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल बनाते थे ठीक है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही बोलते। यहाँ बेटा अगेन जैसे बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है, अंशिका का थोड़ी देर बाद इसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्या भाई। सीधी सी बात यह है, अगर आपको लगता है कोई इंसान आपको पढ़ने नहीं देता तो भाई जबरदस्ती ने उसके बराबर में बैठना, पंखे के तो ऊपर भी बैठना है तेरे को किसी दिन बाबू। तो हम एसपीएल का अगेन याद करना है ठीक है ना, होगा जाओ क्रेडिट साइड में आप लिखते थे सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, याद हो, याद है आपको। अरे बेकार सर, यहाँ क्या होता है, ये क्रेडिट साइड में पहले चिपकाऊंगा और इसी के नीचे डेबिट साइड जो मैं यहाँ लिखा करता था वो लिखनी शुरू कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही बताओ, यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक आता था, पीएनएल अकाउंट में कुछ अदर इनकम भी आती थी, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वही 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 ठीक है। अब सुनो बाबू, यहाँ बैलेंस शीट में क्या लिख रहा था मैं अभी तक, फिगर एज एट द एंड ऑफ, बोलो, करंट फाइनेंशियल ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ। अगर 11th क्लास थोड़ी सी याद हो तो लिखा एंड द पीरियड 1st अप्रैल टू नेक्स्ट 31st मार्च। सर ट्रेडिंग और अकाउंट कोई आखिरी दिन नहीं बनता, ये पूरे साल का इकट्ठा बनता है। और बैलेंस शीट के नीचे हम लिखा करते थे बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च, यानी कि बैलेंस शीट तो बनती ही आखिरी दिन है, लेकिन ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट आखिरी दिन नहीं बनता बेटा, ये पूरे साल भर का इकट्ठा बनता है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं फिगर एज एट द एंड 31st मार्च, नहीं, ये तो पूरे साल का बन रहा है ना बेटा। तो हम यहां लिखते हैं फिगर्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है लिखो।
तो मैं पहले क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीजें आती हैं, सिर्फ दो। चुप भी करता हूं ना। मैं समझा दूं पहले, फिर लिख लो। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ, देख लो। भाग भाग भाई, सच में हो जाएगी यार। हाँ चल, 4 में हो जाएगी ना, पता है ना यार। तुम कर लो, तुम खुश हो लो, अपना रांझा रह लो। चलो हमें इधर तरफ देखना, बस हमें इधर तरफ देख लो। 2 मिनट रुक जाओ, मान्या रुक जाओ, रसवंत साहब रुक जाओ। बेटा मैंने पहले क्रेडिट साइड लिखी, उसमें सिर्फ दो ही आइटम है, रेवेन्यू जनरेशन और अदर इनकम। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। और बेटा ये मेरे खर्चों की साइड है, यानी मेरी डेबिट साइड। वही 11th याद रखो बेटा, डेबिट साइड खर्चों की साइड ही तो होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट। तो सर मैंने खर्चे डेबिट करने शुरू करे, ये 4th खर्चों का, और टोटल मिला के 7 ही खर्चे हो सकते हैं, कोई 8वां नहीं हो सकता, है ना। शॉर्टकट भाई देखो, जिसको याद रहे वो रख ले, नहीं भी रहे तो अब देखो, मेरे को लगता है पंच उतने बनाने चाहिए जितने याद रहे, ठीक है ना। मेरे को याद है, मैंने तो ऐसे ही किया हुआ है, सीपीसी ईएफडीओ, ठीक है ना। बाकी आपको याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो भाई कर लो जैसे भी रहता है, ठीक है ना। मैंने तो इसी से किया हुआ है, सीपीसी ईएफडीओ, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ एसआईटी यानी कि स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ, इन्वेंट्री वर्ड लिखा ना मैंने, चेंज, हाँ, चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP और SIT, ठीक है ना जी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस, है ना। कोई लिखेगा, कोई लिखेगा नहीं बेटा। तो बेटा एक तरफ मेरे पास थर्ड पॉइंट में आ गया टोटल रेवेन्यू, और फोर्थ पॉइंट में सारे खर्चे आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है जी। करूंगा यहां लिख रहा हूं फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम निकाल रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
टैक्स और ए प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में एक्सपेंसेस को लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। सिक्स्थ पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ टैक्सेस, तो सेवेंथ में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टैक्सेस। और एक ऐसा बस इतना सा फॉर्मेट है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस माइनस कर दोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है जी, बस ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। कल याद करके आना, अंदर का मैटर कल शुरू करेंगे, ये लेगा 2 से 3 लेक्चर, बस चैप्टर का भोग डलेगा। ठीक है जी, लिख लो इसको, आज के लिए रखेंगे प्यारे बच्चों, इतना ही, बाय बाय।